मॉम डैड आए नाश्ता कर लें। मुझे नहीं करना नाश्ता। अपने डैड को कर पा दूं, मेरी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अरे जो बात ही खत्म हो गई, फिर उस पर क्या काम करना? बात खत्म हो गई है। पिछले 14 सालों से बेवकूफ बनाते रहे आप मुझे, धोखा देते रहे। उस धोखे का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई है। अब शर्म नहीं आती आपको इस तरह की हरकत करते हुए? शायस्ता, अगर इस तरह तुम बात को बढ़ाती रहोगी ना, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। खुदा का वास्ते प्लीज बस कर दें आप लोग। आपको नहीं पता कि हम लोग पहले एक जंग लड़े हैं, और अगर आप दोनों ने ये सब कुछ किया ना, तो हम ही कमजोर पड़ेंगे और हमारे दुश्मन को फायदा होगा। अब आप लोग सोच लें, अगर आप लोगों ने यू ही लड़ना ना, तो मुझे बता दें, मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। कहाँ रह गई है ये लड़की? अभी तक नाश्ते पे नहीं आई। ये क्या अरुज बेटा, भागते दौड़ते नाश्ता करोगी? थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। अम्मी, पूरी रात अरीज ने सोने नहीं दिया, नींद पूरी नहीं हुई मेरी। ये बात तो सही है। तुम एक काम करो बेटा, मेरे पास सुला दिया करो। नसीमा, तुम खुद गधे घोड़े बेच के सोती हो, अरीज रोती रहेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं बेटा, ये मत करना। अब ऐसी बात भी नहीं है मास्टर साहब। अरुज बेटा, अगर ऐसी बात है तो अरीज को मेरे पास सुला दिया करो। अच्छा खैर, वो मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। स्पेशली अब्बा आपसे। हाँ बेटा बोलो। मेरी वकील से बात हो गई है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं मैंने। क्या करने जा रही हो अनुज? आपने मुझसे कहा था ना कि हमें कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए, वरना दुनिया में सबको ये बात पता चल जाएगी। जी बेटा। लेकिन अब्बा, अब मामला हद से आगे बढ़ चुका है। इन लोगों को फेस करने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अरुज, तुम अब क्या करोगी? करूंगी नहीं अम्मी, कर दिया है। मैंने सलमान, इदरीस अंकल और शाइस्ता आंटी पर केस फाइल कर दिया है।
खैर अभी देर हो रही है मुझे, बाकी बात शाम में करती हूँ आकर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नरीन मैं, आप नाश्ता करें। जी। मास्टर साहब नाश्ता करें। सर ये कोरियर वाला जो ना लिफाफा देंगे। क्या है ये? कोर्ट का नोटिस है। किसने भिजवाया? उरूज ने सारे कारोबार और प्रॉपर्टी की मिल्कियत का दावा कर दिया है।